भाई साहब गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज के सभी दर्शकों को गांव वाले रिपोर्टर का नमस्कार है। बूथ अध्यक्षों की मीटिंग चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब तमाम बूथ अध्यक्षों को आज संबोधित किए हैं चंपा देवी पार्क गोरखपुर में। हमारे साथ एक वर्मा साहब है और एक चौहान साहब है। चौहान साहब और वर्मा साहब आपस में इसलिए लड़ गए हैं कि इनको आवाज़ नहीं मिल रहा है और वर्मा साहब इनको समझा रहे हैं। तो पहले आप इनको समझाइए, उसके बाद इनका जवाब लेंगे। बोलिए, आइए बाबा इधर आइए, आपका जवाब बताइए। आप प्रॉब्लम बताइए। प्रॉब्लम यह है भैया कि ये जो आवास मुख्यमंत्री दे रहे हैं सबको, गरीब आदमी को, पहले गरीब आदमी को मैं कह रहा हूँ मत दे मुझे, पहले गरीब को देखा जाता है। सबका जो है भाई, पहले का सेक्रेटरी द्वारा हम लोग रहे साथ में देखे हैं। आपके साथ क्या वो आवास मिला है? नहीं मिला है। क्या घूस क्यों नहीं देती है? घूस मैम कैसे दें, हमारी सरकार घूस की बात नहीं करती है। क्या कहता है प्रधान आपका, क्या कहता है? प्रधान कहता है मिलेगा मिलेगा, बस आश्वासन देता है। आप कहते नहीं है कि मैं बूथ अध्यक्ष हूँ, मेरी सरकार केंद्र में है, मेरी सरकार प्रदेश में है, टंगवा दूंगा, तुमको क्यों नहीं कहते? बूथ अध्यक्ष हूँ, दूसरा हिंदू जवाब आईनी का दो पद लेकर घूम रहे हैं फिर भी आवाज नहीं मिल रहा। जवाब दीजिए वर्मा जी। मौर्य जी, आप अच्छा मौर्य एक चीज बताइए। आप बोलिए बोलिए बोलिए, आप चुप रहिए बोलिए। जवाब जवाब लीजिए, जवाब लीजिए, बोलिए जवाब लीजिए। बोल रहा है तो सुनने की भी क्रिया रखिए। बोलिए, आप प्रधान आप बनाए हैं? हम नहीं बनाए हैं, गांव बनाया है। अरे आप प्रधान आप भी प्रधानी का चुनाव लड़े थे क्या? चाचा आप भी प्रधानी का चुनाव लड़े थे? मेहनत कर रहे हैं। बतिया सुन, आवाज बताओ इनका। प्रधान आप गांव चुना है, अच्छा होगा, आप काम नहीं करता है। अच्छा है, 11 नवंबर लग के 5 महीना लग गया। अगर प्रधान खराब था तो आपने काम 12 करोड़ रुपया गमन किया है। 12 करोड़ रुपया, हाँ वो जांच कराए लेकिन पूरा जिला। क्या आप भी प्रधानी का चुनाव लड़े थे? अरे चाचा यहाँ सुन भा, क्या आप भी प्रधानी का चुनाव लड़े थे? हो सकता है हार गए इसलिए विरोध करते हो, ये भी हो सकता है ना। अच्छा ये बता दी, एक बात बताइए मुझे महाराज, इतना बड़ा बिल्ला टांगे है, मेरा बूथ सबसे मजबूत, खुद को नहीं मजबूत कर पा रहे हैं, काम कैसे चलेगा? इसके लिए बूथ पर मैं लड़ता हूँ, मेरे क्षेत्र में जाइए, मेरा ग्राम सभा लाड़ो गाँव, मुझे पता लगा लीजिए मेरे बारे में। मेरे चौहान जी का कहना है कि 20 साल से मैं पार्टी की सेवा कर रहा हूँ फिर भी आवाज नहीं मिल रहा है। मौर्य जी समझा रहे हैं लेकिन समझ नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम दूसरे को लड़ते हैं, हम बूथ करता है, हम सरकार की लड़ते, सरकार हमारी देती है, सरकार देती है, लेकिन लेकिन बंटवारा तो प्रधान करता है ना। अच्छा सुनिए सुनिए, आप मानते हैं कि अधिकारी को लड़ गए हैं? ये बताइए, बता रहे हैं आप मानते हैं कि अधिकारी और जो नेता लोग जो हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, नेता नहीं, नहीं छोटे स्तर पे जो नेता है, नेता नहीं इसमें, बलात् के कर्मचारी जितने हैं। एक और बात बताइए, क्या आप यह मानते हैं कि जो लोग लायक नहीं है उनको भी आवास मिल जा रहा है? पहले उनको भी मिल जा रहा है, यही बतिया ने बता रहा है कि जो लायक नहीं वो पैसा दे रहा है उनको मिल जा रहा है, हमको नहीं मिल रहा है। सपा में होता था, सपा के बिचौलिए आज भी कमीशन खाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। अच्छा पढ़ा लिखा है, बीजेपी खुल के जीतेगी, हर हर मोदी बीजेपी जीतेगी, बीजेपी जीतेगी, 300 पार होगा भाई, हर हर मोदी। देखिए ऐसा है, संजय जी और मौर्य जी दोनों बूथ अध्यक्ष आए थे योगी बाबा से मिलने, लेकिन उनका कहना है कि हमारा नेता हमको आवाज नहीं देता है, और खुद जो है दो बूथ अध्यक्ष आपस में लड़ गए।